नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति सक्रिय राजनीति और सक्रिय राजनीति के साथ सक्रिय फेरबदल, और बदलाव भी समय समय पर होते रहते हैं। और यहां पर आने वाले समय में कौन किससे जुड़ जाए वो किसी को नहीं पता। वो भविष्य के गर्भ में निहित नहीं होता है, वो तो नेताओं के मन के अंदर निहित होता है कि कौन आने वाले समय में किससे जुड़ेगा। यहाँ पर तमाम तरह के बाले चलते, तमाम तरह के गठबंधन होते हैं। और खैर, अगर गठबंधन चुनाव को देखते हुए ना हुआ तो फिर चुनाव कैसा और वो पार्टियाँ कैसा जो गठबंधन ही ना करें। खैर, अगर यूपीए की बात करें, एनडीए की बात करें, दोनों ही गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती हैं और उन्हीं के साथ वो अपनी सरकार को चलाती हैं। पर यहाँ पर तमाम तरह के गठबंधन चलन में है और उन पर चर्चा बनी रहती है, और गठबंधन के जो साथी हैं वो भी हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। कारण कुछ भी हो, बयान का दौर चलता रहता है। जनता के मुद्दे उठाए जाए ना उठाए जाए, जनता के लिए संघर्ष हो ना हो, पर बयानों का संघर्ष हमेशा देखते रहते हैं। और संघर्ष इतना बड़ा होता है कि संघर्ष ट्वीट पर होने लगता है, और ट्वीट पर जब संघर्ष होता है तो उसकी जो पटकथा होती है वो सबने देखी है। किस प्रकार से यहाँ पर हाल में ही सपा के मीडिया हैंडलर मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया और एक दिन बाद रिहा भी हो गए, और भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की सोशल मीडिया हैंडलर डॉक्टर रजा राजपूत के साथ भी FIR हुई और फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है। खैर, वो चर्चा का विषय नहीं है। इसके अलावा चर्चा का विषय ये भी है कि उत्तर प्रदेश भाजपा में बड़ा बदलाव होने वाला है। कहा जा रहा है कि 50% से ज़्यादा बदलाव हो सकते हैं। ये हम नहीं, ये सूत्र बता रहे हैं, अभी इस पर मोहर लगनी बाकी है, औपचारिक मोहर पर। कहा जा रहा है कि कुछ बदलाव होंगे। भाई, आग वहीं होगी, धुआं वहीं होगा जहां चिंगारी होगी, और चिंगारी फिलहाल यही स्पष्ट संकेत दे रही है कि बदलाव होंगे। क्योंकि यहां पर बदलाव की बात इसलिए कही जा रही है कि मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला इकाई तक बदलेगी। जिनको ज़्यादा मौका मिला है उनके मौकों को कम किया जाएगा, और जिनको मौका नहीं मिला है उनको मौका दिया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि सभी कार्यकर्ताओं को समान रूप से यहाँ पर मौका देना, क्योंकि तमाम ऐसे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनको MLC बनाया गया, जिनको बड़े बड़े प्रभार दिए गए, और शायद अब अगर डबल प्रभार लिए हैं तो प्रभार छीना जाएगा और वो प्रभार किसी दूसरे को दिया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि बड़ा बदलाव होने के संकेत हैं। बदलाव निकाय चुनाव के लिए, बदलाव आगामी आम चुनाव के लिए जो कि 2024 में होना है, महत्वपूर्ण चुनाव है। और ये सबको पता है कि अगर राष्ट्र की या देश की सत्ता पर काबिज होना है, यानी सबसे बड़ी सत्ता पर काबिज होना है देश की, तो उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश का रास्ता अपनाना पड़ेगा। बिना उत्तर प्रदेश के रास्ते को अपनाए आप उस कुर्सी तक नहीं पहुंच सकते। तो ये बात तो रही बदलाव की। और यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि ओमप्रकाश राजभर, जो कि हमेशा चर्चा बने रहते हैं और समय समय पर गठबंधन बदलते भी रहते हैं। पहले BJP के साथ गठबंधन हुआ, कैबिनेट मंत्री रहे, उसके बाद किसी मतभेद के चलते वहां से इस्तीफा दिया, उसके बाद लगातार BJP हमलावर रहे। अब तब हमलावर थे या अब हमलावर हैं, तब उनके ज्ञान कम था या अब ज्ञान ज़्यादा है, या तब जनता के मुद्दे समझ नहीं पाए थे या समझ गए, खैर वो अलग बात है। पर वो समय समय बदलाव देते रहते हैं, और निश्चित रूप से वो कह रहे हैं कि अगर जनता के मुद्दे कोई नहीं उठाएगा तो उसका मुद्दा सुभाषपा उठाएगी। खैर, उठाना भी चाहिए, और सुभाषपा समय समय पर सावधान यात्रा और तमाम यात्राओं के माध्यम से अपने आप को साबित करती आई है कि अगर कोई नहीं सुनेगा तो सुभाषपा सुनेगी। खैर, सुभाषपा को लेकर यहाँ पर तमाम तरह की बातें रहीं कि जिस तरह हमने देखा BJP गठबंधन के बाद 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ आए और अखिलेश यादव के साथ गलबैया से गलबैया डाले हुए उन्होंने तमाम तरह की चुनावी प्रचार किया और चुनावी यात्राएं की। उसके बाद जैसे ही नतीजे आने के बाद उनकी जो भाषा थी वो अखिलेश यादव के प्रति बदल गई, और हमेशा कहते रहे कि AC में बैठकर राजनीति नहीं होती है, और AC से बैठकर राजनीति करेंगे तो परिणाम ऐसा ही होगा। और उनके बयानों के चलते अखिलेश यादव से उनका अलगाव हो गया, यानी सपा से उनका अलगाव हो गया। और फिलहाल चर्चा में यह है कि भारतीय जनता पार्टी की यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक बड़ा बयान उनको देखते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी समुद्र है, और अगर समान विचारधारा के लोग इस समुद्र में आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो हम सबका स्वागत करते हैं। महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है आने वाले समय में किस तरह गठबंधन होगा और क्या रूपरेखा होगी BJP की निकाय चुनाव को देखते हुए और 24 चुनाव को देखते हुए, चर्चा का विषय वही रहेगा। फिर आप कुछ बयान सुनते, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समाजवादी पार्टी की बल्ले बल्ले नहीं हुई जी, गाजीपुर में 30% से वोट मिले हैं, आप सीटें मिली हैं जी। हाँ, उनके उससे का चुनाव बाइपोलर हो गया, लेकिन BJP को 70% से ज्यादा सीटें मिली, और लोकतंत्र में 70% सीटें मिलना किसी राजनीतिक दल के लिए
उस प्रदेश की, उस देश की महान जनता का आशीर्वाद है, इतना आशीर्वाद है कि 70%। कुछ क्षेत्रों में जो आपने कही गाजीपुर है भी सम्मिलित है उसमें, उसमें परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए। हम वही चीजें सारी समझने आए हैं कि स्थानीय स्तर पर क्या कमी रही, उन खामियों को मिल बैठकर दूर करेंगे और पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच में जाएंगे। चर्चा का विषय है और चर्चा होनी जरूरी है, क्योंकि अगर जनता के मुद्दे और संगठन के मुद्दे हम जैसे खबरन बीच नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? खैर, मैपुर चर्चा विषय है। हमारे साथ मेहमान जुड़े, प्रवक्ता भाजपा से अश्विनी शाही भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से विवेक पांडे अपना पक्ष रखेंगे, विनोद सिंह भाई कांग्रेस के फायरबैंड प्रवक्ता अपना पक्ष रखेंगे, सईद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी पक्ष रखेंगे और प्रवक्ता सुभाषपा से उमेश यादव भाई अपना पक्ष रखेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल हमारा अश्विनी शाही जी रहेगा। शाही जी, किस तरह से यहाँ पर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, बड़ा बदलाव हो सकता है? और जैसे कि पटकथा बीजेपी की हमेशा रणनीति रही है कि सभी को मौका मिलना चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि बड़ा फेरबदल होगा। और सुभाषपा को देखते हुए जो बयानबाजी की गई है, जो बयान कहे गए हैं, क्या लगता है आने वाले समय में सुभाषपा फिर साथ होगी, कैसे देखते हैं? गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी में जी अभी पिछले अगस्त माह में प्रदेश अध्यक्ष को जो है नया नियुक्त किया गया है जी, और वो अभी जो निवर्तमान अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी थे उनके कार्यकाल का जो बचा हुआ समय था वो पूरा कर रहे हैं जी, अब वो लगभग पूरा होने को है जी। तो कोई भी नया अध्यक्ष आएगा और नई अपनी टीम उनको बनाना है, जिस टीम से कुछ हो अभी चुनाव हुआ, चुनाव में कुछ हमारे उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्य विधायक चुन लिए गए और वो माननीय मंत्री हैं जी। भारतीय जनता पार्टी में एक पद का सिद्धांत बहुत पहले से लागू है जी, तो ये कुछ समीक्षा होनी है। अगले आने वाले 2024 के चुनाव हैं, अभी निकाय चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ता आधारित पार्टी रही है, 18 करोड़ की पार्टी है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा जनाधार है जी। और उत्तर प्रदेश की जनता ने और उस महान कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करके हमको जनता का आशीर्वाद दिलवाया है जी, तो इसलिए उन कार्यकर्ताओं का समायोजन भी बड़ा बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी में किया जाना है जी। तो जो आने वाले दिनों में गौरव जी देखने को मिलेगा कि भाजपा 75 पार का मिशन लेकर जो चल रही है 2024 के लिए, उसके लिए कार्यकर्ताओं को दायित्व देना, कार्यकर्ताओं को से काम लेना, उनको जिम्मेदारी नई जिम्मेदारी पर नियुक्त करके उनको पूरे प्रदेश में बूथ स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर तक उनको एक नए कलेवर में पेश करना और आने वाले चुनाव के लिए उनको तैयार करना, ये माननीय अध्यक्ष जी हमारे शीघ्र ही करने वाले हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हमारी है जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो जाए 16-17 तारीख में है दिल्ली में जी, उसके बाद फिर हमको लग रहा है कि ये केंद्र में भी कुछ परिवर्तन होना है और यहाँ राज्य में भी परिवर्तन होना है जी, तो वो दोनों परिवर्तन आपको सुभाषपा को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है, क्या लगता है कि आने वाले समय में गठबंधन होगा क्या, क्योंकि मोहन भागवत के बयान पर भी सुभाषपा प्रमुख समर्थन दिखा चुके हैं, कैसे देखते हैं तमाम चीजों? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है गौरव जी, यहाँ कोई हमेशा से देखा गया इतिहास गवाह है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है ना कोई परमानेंट दोस्त होता है। अच्छा, आपने बहुत से दलों का देखा होगा, तो अगर सुभाषपा के लिए हमारे नेतृत्व में कोई ऐसी चीज आएगी तो वो जरूर आपके सामने आएगी कोई अभी, लेकिन फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है जी। अगर भविष्य में आने वाले दिनों में कुछ चीजें आएंगी तो आप लोगों से कोई चीज छुप नहीं सकती है। नहीं, बयान तो बयान ऐसा है ना कि महासमुद्र है और जो विचारधारा का हो आ सकता है, तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर मान सकते हैं शाही जी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि स्वागत है, अगर लोग आए, हमारा कारवा बढ़े, हमको जो है पूरे प्रदेश से हमको आशीर्वाद मिला है और हम NDA को लेकर चलते हैं जी, और कुछ दिन पहले तक राजभर जी हमारे साथ थे जी, तो अब फिर अगर जुड़ जाएंगे तो कोई उसमें बुराई क्या है? अच्छा, ये तो राजनीतिक दल हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ NDA में कितने दल, आदरणीय अटल जी के समय में से 22 दल हुआ करते थे जी, तो NDA हमारा है, NDA में शामिल होने के लिए कोई भी अगर आएगा, अगर उसको नेतृत्व चाहेगा कि हाँ इनको साथ रखने में इनका और प्रदेश का है लाभ है, पार्टी को भी उसका लाभ मिलेगा, तो जरूर रखा जाएगा। ठीक है, विवेक पांडे जी, कैसे देखते हैं भाई जिस तरह से यहाँ पर बदलाव होने जा रहे हैं? हालांकि समाजवादी पार्टी में भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर भी तमाम तरह की बातें कही गई और हमला भी बोला गया बीजेपी सरकार पर, किस तरह देखते हैं बदलाव को लेकर और आने वाले समय सपा के लिए क्या रणनीति रहेगी
और सुभाषपा के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए गौरव भाई, पूरे मंच को पहले तो बहुत ही धन्यवाद देते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी बातों को अनुमोदन के साथ रखने की अभिव्यक्ति करता हूँ जी। बदलाव का दौर हर राजनीतिक दलों के अंदर देखिए एक आंतरिक विषय होता है जी। विगत कुछ दिनों में जिस तरह की घटनाएं मुझे लगता है कि प्रदेश की परिधि के अंदर घटित हुई है, उसके बाद बिल्कुल अगर राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी, अपनी नैतिक, अगर मुझे लगता है राजनीतिक बातों को क्रियान्वित करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि बदलाव और उसमें बदलाव को शिष्टाचार के साथ बदलते हुए आवश्यक है कि आवश्यक कदम उठाए जाएं। अच्छा। क्योंकि जिस तरीके से राजनीति के गिरते निम्न स्तर को पिछले विगत कुछ दिनों में देश की जनता ने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों ने देखा है, मुझे लगता है ये जिम्मेदारी भी हमें ही तय करनी होगी कि कहीं ना कहीं हमें इस परिधि से अपने आप को, स्वयं को बाहर निकाल करके एक आदर्श के रूप में पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। तो अगर बदलाव हो रहा है तो ठीक है, बदलाव हो रहा है तो अच्छी बात है। मतलब मैं तो बहुत खुश हूं इस बात को लेकर के कि हमारे आदरणीय अश्विनी शाही जैसे भाइयों का कद बढ़ेगा। बदलाव से आप खुश हैं भाई? बदलाव देखिए होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? उनके बदलाव से आप खुश क्यों हैं भाई? भाई देखिए, अब ये तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि आज का मौजूदा जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, कहीं ना कहीं युवाओं को नेतृत्व दे करके योग्यता और प्रतिभा को आगे लाने का प्रयास हर राजनीतिक दल के लोग कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर कोई राजनीतिक दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, अगर अपने आंतरिक संगठन के अंदर एक सकारात्मक बदलाव को ला करके युवाओं को भी स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई आलोचना वाली बात नहीं। मुझे जहां तक समझ आता है, सपा तो देखिए हमेशा से युवाओं को नेतृत्व देती आई है, सपा तो हमेशा से युवाओं को नेतृत्व देती आई है, लेकिन उस परिधि को जिस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, मुझे लगता है उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष को परिषद अध्यक्ष के लिए वहां पर तरजीह नहीं दी गई मेरे ख्याल से। अखिलेश जी तो खैर युवा है और नरेश उत्तम पटेल पर देखना चाहिए था। नहीं नहीं, देखिए अखिलेश जी ने आज एक बात आपको, आपने भी कवर किया है, उन्होंने भी कहा है कि संगठन में जो बदलाव होने जा रहे हैं उसमें मीडिया टीम से लेकर के कई अच्छे स्तर के बदलाव होंगे, लेकिन सही समय पे इसको हम घोषित करेंगे। अच्छा। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं देखिए कुछ भी है, हम हिंदू धर्म से आते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से दोष देखा जाता है समय का, दिन का, दिनांक का, तो अच्छा। उसको आधार मानते हुए हम भी इंतजार करेंगे कहीं ना कहीं 15 तक खरवास खत्म हो जाए। अच्छा। उसके बाद हम आपको निकालेंगे भाई। सपा वाले भी तैयारी कर रहे हैं? नहीं, सपा वाले हमेशा से तैयार थे। देखिए सपा वाले हमेशा से तैयार थे, विगत घटनाओं में अखिलेश जी ने इतना बड़ा दिल दिखाया है जो पूरे प्रदेश के सामने। भाई देखिए, मैं तो आप उस बात को नहीं उठाना चाह रहा था, आप लेकिन वहीं ले आए। जो घटना घटी हमारे कार्यकर्ता के ऊपर द्वेषपूर्ण भाव से कार्रवाई की, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए ये तक कह दिया कि हमें किसी महिला की गिरफ्तारी के हम पक्ष में नहीं है। अच्छा। समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, लेकिन ये भी सत्य है कि कहीं ना कहीं स्वीकार इन्होंने भी किया है, भाजपा वालों ने भी, और कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जो घटनाएं घटित हुई हैं, मैंने इसीलिए इस बात को कह दिया क्योंकि देखिए राजनीति में केवल आडंबर धारण करके आत्ममुग्धता से प्रेरित होना कोई एक अच्छी अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती, एक परिधि का मानक नहीं बन सकता। अच्छा। तो भाई अगर कोई चीज हुई है तो उसको नियंत्रित भी हमें करना है, और हमें एक शिष्टाचार की राजनीति के साथ नैतिक मर्यादा को लेते हुए राजनीति को आगे लेकर के चलना है, जहां विकास की बात हो, मुद्दों की बात हो, युवाओं की बात हो। और आज तो मैं सबसे ज्यादा दुखद संवेदना व्यक्त करना चाहूंगा जोशीमठ के, जिस तरीके से जोशीमठ को समाप्त करने की, सनातन के एक अद्भुत कहीं ना कहीं धरोहर को समाप्त करने की दिशा में क्रियान्वित हो रही है चीजें, मुझे लगता है उसको रोकने की आवश्यकता है सबसे पहले। क्योंकि देखिए आज ये हमारे सांस्कृतिक सनातन की धरोहर है जोशीमठ पे भी, मैं इसे विशेष संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि वहां के लोग बहुत दुखी हैं, वहां की जनता कहीं ना कहीं अपनी बातों को शायद पहुंचाने का प्रयास कर रही है आप ही लोगों द्वारा मीडिया के माध्यम से, और धन्यवाद देता हूं उन मीडिया के भाइयों को भी जो इस तरह की खबरों को कवर करते हुए सरकार को जगाने का, जिताने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, बताइए कि जो सुभाषपा का यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा है, बयान भी दिए हैं कि जो बीजेपी महासमुद्र है, जो जुड़ना चाहे जुड़ सकता है, और हमारे लिए सब बराबर है, अगर कोई हमारे विचारों सहमत है तो आ सकता है, कैसे देखते हैं भाई? देखिए गौरव भाई, बड़ी जिम्मेदारी से बताऊँ, हम प्रवक्ता जब डिबेट में बैठते हैं तो हमारे अंदर एक आदत होती है केवल बड़ी बड़ी बातों को अपने कुतर्कों से या तर्कों से स्थापित करने का प्रयास करना। क्या मैं आ रहा हूँ उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जब तक किसी भी राजनीतिक दल के नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व या कार्यकारी नेतृत्व से कोई इस तरह की खबर निचले स्तर तक डाउनलोड या नहीं प्रसारित की जाती है, हम लोगों को इस पे बोलने से बचना चाहिए। क्योंकि देखिए ये बात सही कही शाही भाई ने भी कही कि राजनीति में कोई ना दोस्त है ना कोई दुश्मन है, यहाँ विचारों की लड़ाई है, आप भी जोड़ सकते हैं, अवसर की लड़ाई है। अच्छा, अवसर की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, और राजनीतिक गलियारों में इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी हमने भी इनका सहयोग किया भाजपा का। अच्छा। कभी भाजपा
साथ रही सदन में, तो एक साथ कभी हमारे स्वर्गीय नेताजी ने भी आशीर्वाद दिया। तो मुझे लगता है देखिए ये राजनीतिक शिष्टाचार की जो परिधि और जो ये मानक तय हुए कुछ नेताओं द्वारा उसको सीखने की आवश्यकता है, न कि हम आलोचनाओं में। हम तो नेताओं के बयान पर बोलते हैं भाई, सुनने में तो सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा, तो मैंने पूछ लिया। नहीं नहीं बिल्कुल आपने पूछा, बिल्कुल मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि मुझे लगता है जब तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी से कोई स्पष्ट बात सामने ना आ जाए, मुझे लगता है इन बातों पर हम जैसे प्रवक्ताओं को जो खास करके अपने से बैठ करके अपने से कुछ भी कह देते हैं, बाद में वो खबर गलियारे में कहीं ना कहीं जाकर के चर्चा की जगह भूचाल का विषय बन जाती है। मुझे लगता है उससे बचने की आवश्यकता है। और जब तक जब अगर इस तरह की कोई भी बात आएगी, गठबंधन की कोई बात आएगी, बिल्कुल आप शाही भाई ने बिल्कुल सही कहा था, वाह हमसे पहले तो आपको पता चल जाती है। तो कहीं ना कहीं जब वो बात आएगी तो सत्य के साथ पूरे प्रदेश के सामने रहेगी। सपा भी महासमुद्र है क्या, थोड़ा ये भी बता दीजिए। देखिए सपा महासमुद्र हो या ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश का संगम तो है सपा। क्या बात, ये तो आपको मानना पड़ेगा। क्या बात, इतिहास उठा के देख लीजिए, सपा महासमुद्र हो ना हो लेकिन उत्तर प्रदेश का संगम तो है। चलिए ठीक है ठीक है, वरुण भाई करता हूँ भाई, कैसे देखते हैं तमाम प्रतिक्रियाओं को और जिस तरह से यहाँ पे बदलाव हो रहा है। कांग्रेस ही भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से सुर्खियां बनी हुई है, हालांकि उत्तर प्रदेश में केवल 3 दिनों के लिए आए, अब क्यों नहीं आए, लंबा समय क्यों नहीं बिताया, हो सकता अगले चरण में आ जाए। देखिए हमारे दोनों विद्वान अनुभवी साथी, अच्छा पहले तो अब इसका भाजपा का भ्रष्टाचार शिष्टाचार पे आ गए, सुन तो लीजिए, बड़ा मुद्दा लेकर आया हूं, भ्रष्टाचार पे चले आए, सुन तो लीजिए। देखिए दो विचारधारा, मुद्दा गंभीर है जिसपे आप चर्चा कर भी रहे थे, डिबेट करते हैं। एक सरकार उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति के ऊपर और बनाम सपा पूरी कसमकस होती है। अखिलेश जी जाते हैं किस प्रकार से, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है, और हमारे काबिल विवेक भाई कहते हैं राजनीतिक शिष्टाचार में ये सब खत्म हो गया, ढक जा ढक ढका जा सकता है। मैंने कहा ढकने की आवश्यकता है नहीं, नहीं। तो आप ये बताइए देश में, ये इसको ये दर्शकों के आपके विवेक पर मैं छोड़ता हूँ, देश में किस प्रकार की सुविधा वाली राजनीति, अच्छा शिष्टाचार के सुविधा वाली, समझ गए सुविधा वाली राजनीति कैसी भाई, साही जी समझ गए, साही समझ गए, मैं बता सुविधा वाली राजनीति, अच्छा जो अपने को उपयुक्त लगती है सूट करती है। अच्छा तो इस राजनीति के विरोध में, इस भ्रष्टाचार, इस तौर तरीके वाली जो राजनीति है, सुविधा भोगी राजनीति है, इसके खिलाफ देश में ज्वलंत मुद्दों को लेते हुए, व्यवहारिक स्थिति को समझते हुए, भारत के भविष्य के प्रति गंभीर संवेदनशील एवं चिंतित एक गांधीवादी नेता अगर खड़ा है, एक तो वो जनता की आवाज है, क्योंकि विवेक जी काबिल है, अश्विनी जी काबिल है, ये कब किस बात को जनमानस की भावना कितनी आहत हो जाए, उसकी उम्मीदों पर कितना पानी फेर दे भारतीय जनता पार्टी विशेषकर, और लेकिन किस प्रकार से उसको शिष्टाचार का नाम दे दिया जाएगा, व्यापार का नाम दे दिया जाएगा, समझदारी का नाम दे दिया जाएगा, तो उसके मूल में सबसे पीड़ादायक स्थिति में जो रहेगी वो देश की जनता की आवाज रहेगी। अच्छा तो आवाम की आवाज, उसका भाव, उसकी उम्मीदें, और सरकार, चाहे सरकार जो सत्तासीन है या विपक्ष में जो लोग हैं, उनको उनके राजनीतिक संवैधानिक नैतिक दायित्वों की पूर्ति के लिए, इसीलिए तो हम खड़े हैं, हमारी पार्टी खड़ी है। अच्छा। और सड़क पर कौन दिख रहा है? अच्छा। सड़क पर भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी मुख्यालय गिरे हुए थे भाई, आप चाहे फिर मना कर दिया, इसे को उधर मत ले जाइए। गौरव जी देखिए हम भाजपा भारतीय जनता पार्टी से लगातार 2014 के बाद से अभी तक राजनीतिक, वैचारिक, नैतिक, संवैधानिक लड़ाई सड़क से लेके हर किसी जगह पर संवैधानिक तरीके से, अगर ये देश साक्षी है, आपके दर्शक जानते हैं, कोई लड़ रहा है, ईमानदारी से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के हमारे सपा कर रही, हमारी पार्टी कर रही है। अच्छा नहीं, इन लोगों को और बेहतर करना चाहिए। अच्छा और विवेक भाई जैसे समझदार, सुधी, अनुभवी लोगों को मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए, विरोध की आवश्यकता है, तो भ्रष्टाचार का पर्दाफाश, आरामदायक सुविधा वाली राजनीति करना, किसके लिए बोल रहा हूं, राजनीतिक शिष्टाचार किसके लिए, ना कि उसको राजनीतिक शिष्टाचार की संज्ञा दे, विवेक जी मुझे इस पर आप, विवेक जी ने, विनोद भाई अरे विनोद जी एक चीज सुन लीजिए, गौरव जी से, गौरव जी ये विवेक भाई ने कुछ कहा नहीं है, चूंकि इनको आशीर्वाद पत्र के माध्यम से दे दिया, यात्रा में शामिल नहीं हुए, और केसीआर के यहाँ जा रहे हैं, ये विनोद भाई को बुरा लग गया है, बुरा लग गया है, आशीर्वाद दे दिया और आपको आए नहीं,
भावनात्मक संवेदना तो व्यक्ति की है और भावनात्मक संवेदना के साथ मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है पार्टी का अपना, हमने कोई आलोचना तो की नहीं है। अच्छा, और अभी मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में किसी की आलोचना नहीं की थी। मैं चाहता हूं कि डिबेट आज डिरेल हो। देखिए सवाल गौरव जी डिरेल हो, अच्छा ऐसे डिबेट नहीं। गौरव जी बड़ी सीधी और बड़ी स्पष्ट बात में, जो अगर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, उनके गवर्नेंस के खिलाफ, उनकी जो सत्ता में अहंकार में सत्ताधीश वाला जो अहंकार है उससे जो त्रस्त जनता है, नीतिगत तरीके से जनता की कोई सुध नहीं ली जा रही है, तो उस पर सवाल कौन उठा। अच्छा आपके आपके टारगेट में बीजेपी क्यों होती है? सपा हमारी पार्टी हर पार्टी क्यों नहीं है? अच्छा बीजेपी सरकार है पूरे देश को अपने। पंजाब में बीजेपी है क्या? पंजाब की बात नहीं है मैं कह रहा हूँ, मैं बड़े बड़े प्रश्न पे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ। अच्छा, भारत सरकार की नीतियाँ हर व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में चुकी सरकार है, इनकी राजनीतिक एजेंडा, इनकी पॉलिसी, इनके नीतिगत निर्णय हर एक आम शहरी को, आम प्रदेशवासियों को, पूरे देश को प्रभावित करते हैं। तो उस पर मुद्दों सहित, मुद्दों आधारित, जनता के पक्ष में, लोकतंत्र के डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आगे रखते हुए, स्वतंत्रता के पक्षकार होते हुए, एक वो देश में लोकतंत्र की स्पिरिट। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता जनाधार देती है फिर बीजेपी सरकार बना देती है, केंद्र बना देती है, उत्तर प्रदेश बना रही है, गुजरात फिर बना रही है, चमत्कार कर दिए 162 सीट के साथ में, तो क्या इनको क्लीन चिट दे दी जाए? आप ये कह रहे तो कहीं नहीं क्लीन चिट दे दी जाए। भाई आप कह रहे जनता समझ रही है, प्रभावित हो रही है, फिर जनता समर्थन क्यों नहीं? आप शाही जी से पूछिए, इनकी पार्टी का ऊर्जा, इनकी पूरी पार्टी की मीटिंग, पूरी रणनीति इस समय 99% केवल इसी बात पे लग रही, किस प्रकार से आम जनता में अपेक्षा से अधिक सहयोग, समर्थन, सम्मान और भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है। अंदर के बात तो क्यों इसी परेशान में रहते हैं ये, लेकिन औपचारिक तौर से नहीं कहेंगे। अच्छा, यहाँ से लेके दिल्ली तक परेशान है भारतीय जनता पार्टी के सभी। अच्छा, जी परेशान है आप लोग क्या भारत जोड़ो यात्रा से? पूरी तरीके से परेशान और घबराए हुए ये तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है। चलो ठीक है, ये तो दिख रहा है, ठीक है अभी जवाब लूंगा साईं जी आपसे। उमेश भाई, भाई यहाँ पर आपके मुद्दे पर यहाँ चर्चा हुई तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से विवेक पांडे भाई ने तो कह रहे हैं शिष्टाचार है, अश्विनी भाई ने साफ साफ कह दिया कि अगर जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जिसके विचार सहमत होंगे जुड़ जाएगा, कोई इशू थोड़ी ना है, कोई समस्या नहीं है। पर समस्या सबसे बड़ी ये है कि जब बीजेपी में शामिल होते तो बीजेपी बुराई करना शुरू कर देते हैं अलग होने के बाद, और जब सपा में शामिल होते हैं तो अलग होना सपा की बुराई करने लगते हैं, तो ये समझ में नहीं आता। बुराई केवल शामिल होने पर रहती है क्या? आप कहाँ जाएंगे? देखिए गौरव जी, जी ये बुराई और भलाई की अगर बात की जाए तो पार्टियों के गठबंधन के बाद और उनके अलगाव होने के बाद इस तरह के पारस्परिक विरोधी बयान सदैव आते हैं। अच्छा अच्छा, जब 2017 में जी भारतीय राजनीति की व्यवस्था है, नहीं इसे आप कह सकते हैं। अच्छा कह सकते हैं, इसे हम अस्वीकार नहीं करेंगे, इसे कह सकते हैं। और जब तक कहीं पे कोई बुराई नजर नहीं आती तो उससे दूरियां क्यों बनाते हैं? अच्छा, जब हमें कुछ कमियां नजर आती हैं, हमारी विचारों सिद्धांतों से उनके मेल मिलाप नहीं हो पाता, उनसे वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, तो हम एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं। समस्या है कि कमी परिणाम आने के बाद आती है, जब बिना चुनाव के परिणाम आती है, परिणाम के बाद ही कमी आती है। पहले से किसको पता होता है किसके मन में क्या चल रहा है? अच्छा, हमको समाजवादी पार्टी धोखा दे देगी। अच्छा, हमें पहले से पता आपको होता धोखा दिया क्या? आपको धोखा दिया क्या? धोखा दिया। देखिए अच्छा, अगर आंतरिक बातें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कई इंटरव्यूज में आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि जो समाजवादी पार्टी ने उनसे वादे किए थे 2022 के आम चुनाव विधानसभा उत्तर प्रदेश में, वो समय समय पे वो तोड़ते रहे। अच्छा, जो भी उनसे वायदा किया गया, हमसे लिया तो गया, दिया कुछ नहीं गया। अच्छा अच्छा, ये तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात हो गई, बात विचारों की थी। हम देखिए गठबंधन विधानसभा 2022 के आम चुनाव के बाद भी चला, आजमगढ़ के चुनाव में हमारी पार्टी, हमारे नेता और राष्ट्रीय नेतृत्व वहां गांव गांव घूम रहे थे। हाँ। और उन्होंने अगर सच बात कह दी तो हमें एक लेटर लिख दिया गया कि आप राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं जहां चाहे। तो भैया उन्होंने गठबंधन दल का एक अधिकार भी है और दायित्व भी है, दोनों चीजें हैं। अधिकार इसलिए है कि हम यदि आप कुछ पाते हैं, आपके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, तो मेरा अधिकार है कि हम आपसे कहेंगे। अच्छा, और दायित्व इसलिए है कि अगर साथी कहीं पे भटक रहा है, उसकी कमियां है, तो उसको बताना चाहिए। ठीक है, तो हमने बताया, कमियां चुपचाप बता दे करिए, सार्वजनिक रूप से क्यों बताते हैं? चुपचाप बता दे करिए फोन करके कि हाँ ये कमियां है, आप सार्वजनिक रूप से बताएंगे।
नहीं सार्वजनिक जब व्यक्तिगत रूप से कहते कहते थक गए अच्छा, नहीं अच्छा, सुना गया तो अच्छा, मन की भावना सामने आ गई थी अच्छा, भावना सामने आ गई अच्छा, और यहाँ तो खुला खेल फरुखाबादी है जो करेंगे डंके की चोट पे करेंगे। क्या क्या श्लोक का ठीक है ठीक है, साहिद जी बोल रहे थे कि अगर उम्मीद रहेगी तो जोड़ेंगे महासमुद्र बीजेपी जुड़ जाएंगे क्या। देखिए एक बात में साहिद जी जो कह रहे थे कि राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी नहीं होती, सदैव स्थायी नहीं होती, इस बात के हम भी समर्थन करते हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है, ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई शक की बात नहीं। ठीक है। लेकिन गौरव जी यह तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की खेती में सुभाषपा नामक नदी का यदि जल नहीं जाएगा जी, तो यहाँ पर वो कोई भी पार्टी राजनीतिक खेती को परिपूर्ण नहीं कर सकती। चलो ठीक है, यह तय है। तीन बातें आ गई आज, ठीक है, तीन बातें आ गई, समुद्र भी आ गया, संगम भी आ गया, नदी भी आ गई। चले ठीक है, आम आदमी पार्टी देखिए क्या बोलती है। भाई तकी भाई, भाई आप लोग भी चर्चा बने रहते हैं और संघर्ष करते रहते हैं। भाई केजरीवाल जी बड़ी मेहनत की है दिल्ली में, तब दोबारा तीसरी बार सत्ता में आसीन है, तमाम उन्होंने संघर्ष किया है, लोगों के यहाँ तक के मीटर तक बनाए हैं, बड़ा यानी जमीनी स्तर पर संघर्ष किया है। कुछ संघर्ष उत्तर प्रदेश में भी होगा और बेहतर। देखिए गौरव भाई, आम आदमी पार्टी जो है आंदोलन से निकली पार्टी है अच्छा, और लोगों के मुद्दों को हमेशा उठाती रही है, क्योंकि हमारे पार्टी में अगर लोग वो लोग हैं जो परिवार को भी चला रहे हैं और देश को भी चला रहे हैं, और परिवार का दस समझते हैं हमारे ऐसे लोग नहीं है जो परिवार से अलग हैं या जिनको महामानव बनने का शौक है अच्छा, जो महामानव बनना चाहते हैं अच्छा, हम आम आदमी की पार्टी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी की बातें करते हैं और सारे भगवानों की सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है देख के कि जो हाल हो रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से भगवान भी नाराज हैं, वो भी उठे हुए हैं, कोई दैवीय प्रकोप है, नाराज हो गए हैं, और लोग तो हैं ही नाराज, क्योंकि जिस तरह जोशी मठ में दिख रहा है हाँ। और जिस तरह से इन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में प्राचीन मंदिरों को तोड़ा, 40,000 मंदिरों को भगवान नाराज हो गए, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं भगवान जो नाराज, इसलिए कोरोना जैसी महाकाल आया हमारे देश के अंदर, कितने लोग मर गए, कितने लोगों की लाश उसी गंगा बह गई, गंगा किनारे उन्होंने मंदिरों को नाराज हो गए, इन्होंने दिल्ली में भी नाराज तोड़े, जहाँ देखिए लेकिन ये भारत के अंदर जो हुआ है, देखिए हम धर्म को मानने वाले लोग हैं अच्छा, हम धार्मिक लोग हैं, हम धर्म में आस्था रखते हैं हाँ। भगवान को मानते हैं, मैं भी अमरनाथ यात्रा कराया हूँ, मैंने भगवान शंकर जी के सारे मंदिरों के मैंने शिवलिंगों के दर्शन किए हुए हैं, चाहे अक्षरधाम हो, चाहे अमरनाथ हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, सब जगह गया हूँ, सब जगह आशीर्वाद लेके आया हूँ। और एक शिव भक्त होते हुए मुझे बड़ा अफसोस होता है देख के, जिस तरह से हमारे देश के अंदर मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों के माना करी, कहीं ना कहीं दैवी प्रकोप है, दैवीय आपदा है अच्छा। जो बार बार हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी खराब कर रही है अच्छा। लोगों की लगातार मृत्यु भी हो रही है हाँ। और कहीं ना कहीं काशी आपने देखा जोशी मठ में क्या हो रहा है अच्छा। तो भगवान जो है बीजेपी से नाराज है अच्छा। और वो चाहते हैं बीजेपी नया बयान आया है, वो जनता के लिए काम न करे, ये जनता के लिए काम नहीं कर रहे, ये जनता का सम्मान नहीं कर रहे। और पहले हमारे देश में कहा जाता है पहले बयानबाजी डिबेट, पहले दीपक जो है संगम नदी और भगवान, चलिए गौरव जी चलिए ठीक है, हमारे आस्था में कहा जाता है, हमारे कहा जाता है पहले आप अपने घर में दीपक रोशन करिए फिर मंदिर में जाइए, क्योंकि भगवान को अच्छा नहीं लगेगा अच्छा। कि उसके भक्त घर में अंधेरा है अच्छा। और वहाँ रोशनी है अच्छा। और भगवान हमेशा आशीर्वाद देता रहा है अच्छा। ऐसे हाथ करके अच्छा आशीर्वाद देता रहा है अच्छा जी दाइए, और यहाँ हमेशा लेने की परंपरा है, जब कोरोना आया तो प्रधानमंत्री आ गया, पैसा मांगा जनता। तकी भाई 2013 में जब केदारनाथ की आपदा आई थी वहां पर कांग्रेस सरकार थी उत्तराखंड में, तो भगवान कांग्रेस से भी नाराज थे क्या? देखिए कहीं ना कहीं जो है हाँ। वो भगवान बता दीजिए आप, देखिए वो तो एक आध इंसिडेंट है, लेकिन इधर बीजेपी जब से आई है लगातार आप देखिए बीजेपी नाराज है, जैसे इतना बड़ा कोरोना की तस्वीर हो गई अच्छा। अब डेंगू से इतने लोगों की डेथ हो गई अच्छा। अभी देखा वहाँ बीआरडी में कितने बच्चे ऑक्सीजन, कुछ ना कुछ जो है भगवान दैविक जो शक्तियां हैं जो इस वक्त जो है वो नाराज है, उनको पसंद करना पड़ेगा अच्छा। और बीजेपी को सत्ता से हटाना पड़ेगा अच्छा, तभी इसका उपचार अच्छा, हो सकता है अच्छा, ठीक है साहिद जी, भगवान भी साथ नहीं देते, जनता नाराज है, भगवान नाराज है बीजेपी से केवल, और भगवान नाराज से तभी कोरोना आया जी। तकी जी ने एक बात नहीं बताया, वो भूल गए हाँ। वो नोटों पर गणेश लक्ष्मी जी अगर छपवा दिए होते तो हाँ। पार्टी से खुश हो गए होते, वो जो नाराज है ना, की अर्थव्यवस्था नाराजगी दूर करने के लिए वो काट करने के लिए हमारी पार्टी ने कहा है, भूल गए वो बताना भूल गए, तो सम्मान है भगवानों का, भगवान लक्ष्मी जी की और गणेश जी की, इसीलिए कि अब कट जाए जो लगा हुआ है, ग्रहण लगा हुआ है आने से, वो ग्रहण काटने के लिए करना पड़ रहा है, देश के भगवान को लाना पड़ेगा ना। आर्थिक विशेषज्ञ हाँ।
अपने आप को अराजक कहने वाले माननीय केजरीवाल जी ने वो इतना बढ़िया सुझाया था सरकार को, सरकार को मान लेना चाहिए था। कहाँ माना? अरे भाई तकी जी, तकी जी देखिए ये लोकतंत्र की व्यवस्था है जी। और जरा भारत के पूरा जो है वो देख लीजिए, अभी भी भारत का नक्शा देखिए, भगवा कितने दूर तक पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक कितना फैल रहा है ये आपको जानकारी है। तो भगवान की बात नहीं, यहाँ पर भगवान कौन है? आम जनमानस, बिल्कुल, जिसका आशीर्वाद हमको मिलता रहता है। हम उसकी बात करें, हम आस्था को ले आकर क्यों बहलाना फुसलाना की बात कर रहे हैं? यहाँ पर बैठकर जिस बात पर चर्चा आज गौरव जी ने रखा है जी, बढ़िया मुद्दा है कि हर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन की बात नहीं है, बिल्कुल। आप अपने संगठन की बात करिए कि आपका उत्तर प्रदेश में संगठन कितना बढ़िया है, हिमाचल में कितना शानदार था, उत्तराखंड में कितना शानदार था, ये उत्तराखंड हटते हटते सारा संगठन ही बिखर गया। अच्छा, तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। अब मैं आता हूँ भाई विनोद जी के ऊपर। भाई विनोद जी ने बड़े भारी भारी बातें की, इतने पता नहीं, आज मैंने एक दिन पूछा गौरव जी कि विनोद जी कहाँ से जो है इतने भारी भरकम शब्द ले आ रहे हैं आप। तो विनोद जी ने कुछ जवाब ठीक से दिया नहीं, लेकिन इनके कुछ ज्ञान चक्षु खुले हैं जब से ये यात्रा चालू हो गई। अच्छा, अच्छा। तो मुझे लगा कुछ ठंडी का तो प्रभाव नहीं हो गया है। अच्छा। भारी भारी शब्द निकल रहे हैं आजकल। और मैं धन्य मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि राहुल गांधी जी जो सोने का चम्मच लेकर उस गांधी परिवार में पैदा हुए जिसमें 125 साल पुरानी पार्टी है, वो उनको आज पैदल कर दिया, पैदल कर ये दिया। आज बड़ा धन्य मानता हूँ मैं, पैदल हो गए हैं बेचारे यहाँ से लेकर वहां तक भाग रहे हैं। देश की जनता के सुर में सुर मिला के लोकतंत्र में लोकस्वर बनना, जनता की पीड़ा को उठाना, साईं जी की पार्टी को कितना आप देखिए, एक सभा कर रहे हैं ये लोग श्रीनगर में, जिस दिन इनका वो समाप्त होगा उसी सभा कर रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, VRS जो तेलंगाना वाले हैं, AIM, अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने अछूत समझा और नहीं बुलाया। अच्छा, नहीं बुलाया, चिट्ठी नहीं भेजी। और बाकी और वो क्या कहते हैं पटनायक साहब की पार्टी को, इन कई पार्टियां ऐसी हैं जिनको नहीं बुलाया गया। ठीक, तो कुछ पार्टियां ऐसी हैं जी। अब जैसे यहाँ भारत जोड़ो यात्रा में माननीय अखिलेश जी नहीं शामिल हुए, अब तेलंगाना में एक जो है वो रैली कर रहे हैं उसमें जा रहे हैं। तो आज भारत को ही नहीं जोड़ पा रहे हैं राहुल गांधी, जो अपने राजनीतिक दल है उसको नहीं जोड़ पा रहे हैं, कांग्रेस को नहीं जोड़ पा रहे हैं, वो आज भारत जोड़ने निकले हुए हैं। और एक उनका एक USP मान लीजिए कि मैंने एक दिन एक चैनल पर जो है कहा और बाद में उस चैनल ने उसको शीर्षक बना दिया कि पप्पू से लोकप्रियता तक के लिए 3750 किलोमीटर तक के सफर की आशा। अच्छा, बाद में उन्होंने हेडलाइन बना दिया था उसको। अच्छा, लेकिन ये सच्चाई है कि कांग्रेस ने इनको गंभीर बनाने के लिए एक बार और PR स्टंट किया है। अच्छा, देवरिया से दिल्ली तक की यात्रा किया, खटिया यात्रा। अच्छा, 27 सीट थी उत्तर प्रदेश में, 7 सीटों पर आ गए ये लोग जी। आंध्रा में एक यात्रा निकाले, सरकार चली गई जी। तेलंगाना में यात्रा निकाले, सरकार चली गई। पंजाब में एक ट्रैक्टर रैली निकाले, सरकार चली गई। तो ये जहां जाते हैं, भोजपुरी में कहावत कही जाती है, हम लोग भोजपुरी भाषा के हैं, जहां गईली डाढ़ा रानी वहां पड़ल पत्थर पानी। अच्छा, तो वो ये जो है कांग्रेस के लिए अब कितने गंभीर होंगे ये तो अब यात्रा के समाप्ति के बाद आने वाले चुनाव में देखना पड़ेगा जी। और मैं एक बात, अभी विवेक जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की, किसी का कोई आलोचना नहीं की, लेकिन मैं विवेक जी मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मगर आपके दल के लोग और स्वयं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये उनसे एक शिकायत के रूप में मैं कह रहा हूं कि आप पहुंचाइए इस बात को, इस प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर पुलिस मुख्यालय में जाता है और वहां पर कह रहा है वो आदमी कि हमको जहर मिला दोगे आप लोग, ये शोभा देता है? नहीं शोभा देता है। कम से कम इतनी चीजें हैं, इतना सम्मान है, वो आपकी भी पुलिस रही, आपके भी वो SP रहे, आपके भी वो DIG गार्ड भी है भाई, ऐसा वर्तमान में भी गार्ड है भाई, पुलिस ही तो सुरक्षा दे रही है। और आप उत्तर प्रदेश के, आप एक माननीय विधायक हैं राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के साथ, तो ये अशोभनीय भाषा जो है थोड़ा सा हमको बचना चाहिए। जैसा विवेक जी ने आज शुरुआत की, इतनी शानदार शुरुआत, मुझे बहुत दिन बाद इतनी शानदार और सार्थक शुरुआत किसी ने नहीं किया था, किसी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन बड़े नेताओं को क्या हो गया है, वो
अनुराग भदौरिया के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है जी। और एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करता है उसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। ये सब चीजें निकल जाए तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं गौरव भाई जी कि यहाँ पर देखिए राजनीति में ऐसी ऐसी चीजें होती है। सबसे ज्यादा 2019 में आपको देखने को मिली जो मायावती जी और मुलायम सिंह यादव जी में जिस तरीके से 36 का आंकड़ा था और वो पार्टियां जब एक हो गई तो गठबंधन किसी के साथ कहीं भी हो सकता है। ठीक, ये राजनीति है और ये लोकतांत्रिक राजनीति। विवेक भाई कुछ बोल रहे थे आपके बाद, विवेक पांडे। देखिए मैं बड़ी शिष्टाचार के साथ, अब कहीं ना कहीं सवाल आया है तो जवाब देना मेरा भी धर्म बनता है, बिल्कुल धर्म है मेरा, तो मैं अपनी बातों को जरूर रखूंगा। ये हमें स्पष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान पुलिस अधिकारियों पे हम भरोसा क्यों नहीं करते। अच्छा, इस बात को तो शाम होते होते सार्थक लखनऊ के जेसीपी पीयूष मोडिया ने खुद ही स्वयं साबित कर दिया था। आपने देखा जिस तरह से लाइव कैमरे पे जी न्यूज के एक पत्रकार के साथ उन्होंने अभद्रता की। मैं तो पूछ रहा हूँ, सवाल उठा रहा हूँ कि ऐसे अधिकारियों को आपने व्यवस्था में बिठा रखा है जो सत्ता के अहंकार, सत्ता के संरक्षण में अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या पीयूष मोडिया जी पे कोई कार्रवाई की गई है क्या? मैं तो पूछ रहा हूँ ना। एक इसी तरह से एक ईमानदार आईपीएस वैभव कृष्णा जी ने पूर्ववर्ती में, पूर्व कार्यकाल में इनके एक ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा उजागर किया था जिसमें उन्होंने लगभग 6 या 7 आईपीएस को नामजद करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की। जी बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ वैभव कृष्णा जी के साथ जी? तो कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली पे जब सवाल उठता है गौरव भाई तो उसके प्रमाण देने पड़ते हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी बात सुनिए, हाथरस कांड में एक बहुत वरिष्ठ आईपीएस जो आज उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था पीसी करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कहा था जी? रेप नहीं हुआ। अच्छा। और सीबीआई ने क्या कहा था? सीबीआई ने उनकी बात को झुटलाते हुए पूरी रिपोर्ट को सामने रख के यह प्रमाणित कर दिया था कि उस बच्ची के साथ गलत कार्य हुआ था। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश सरकार ने तो पीएमओ को भी लेटर लिख दिया था कि उत्तर प्रदेश के हाथरस घटनाकांड में कोई रेप नहीं हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के अधिकारी, और सबसे बड़ी बात सुनिए ना, सब छोड़ दीजिए, चलिए मैं गलत बोल रहा हूं, मैं समाजवादी पार्टी से हूं, आपने अभी आईजीआरएस प्रकरण में और मुख्यमंत्री पोर्टल के प्रकरण में 73 अधिकारियों को नोटिस जारी की। ये 73 अधिकारी जो कि आज कहीं ना कहीं कार्रवाई के दायरे में है, ये अच्छी बात है, आप स्वागत योग्य कदम है कि आपने नोटिस जारी की, जीरो टॉलरेंस की तरफ आपने कदम बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन जिनके उनके कुकृत्यों से जो पीड़ित अति पीड़ित हो चुके हैं, क्या वो न्याय पाएंगे? क्या उनको न्याय मिल पाएगा? अब आप बताइए मुझे। सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को संबोधित करने का सीधा सीधा तात्पर्य था, जब अधिकारी एक सीमित मानसिकता, सीमित सोच, सीमित दायरे, पद के पावर का दुरुपयोग करते हुए, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का हिस्सा बनेंगे, मनमानेपन का हिस्सा बनेंगे, सवाल उठेंगे, भरोसा नहीं कर सकते। और उत्तर प्रदेश के अधिकारी अपना भरोसा खो चुके हैं, ये तो शाम होते होते उस जी न्यूज के पत्रकार के साथ अभद्रता जो हुई है उन्होंने स्वयं साबित कर दिया है सरकार की कार्यप्रणाली को उजागर करते। अगर सरकार जीरो टॉलरेंस पे काबिज रहती तो पीयूष मोडिया पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अच्छा, मैं तो ये सवाल उठा रहा हूँ। अच्छा, पर कोई ट्वीट नहीं आया सपा की तरफ से इस मुद्दे पर? भाई मैं यहाँ बैठ करके आपके सामने आपकी डिबेट में इस मुद्दे को उठा चुका हूँ। अच्छा। आज शाही भाई हो चाहे हमारे सम्मानित प्रवक्ता कांग्रेस के हो, आम आदमी के, हम पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गौरव भाई। आप हमेशा नेतृत्व की बात करेंगे तो क्या हर मुद्दे पे मोदी जी का ट्वीट आता है या हर मुद्दे पे क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का ट्वीट आता है? नहीं, जो प्रवक्ता होता है, प्रवक्ता अगर पार्टी की आवाज है, पार्टी की ढाल है, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो प्रवक्ता, इसीलिए मैंने शुरू में ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था प्रवक्ताओं को हल्के तर्क देने से बचने की आवश्यकता है। अगर हम कुछ भी कहते हैं ये पार्टी लाइन की बात होती है, हम पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने जो स्टेटमेंट दे दिया वो पार्टी का स्टेटमेंट माना जाता है। आप पीयूष मोडिया को हटाने की मांग कर रहे हैं? मैं पीयूष मोडिया को कार्रवाई के दायरे में लाने की मांग कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की छवि खराब की है। हाँ। आप उत्तर प्रदेश में बिजनेस समिट कराने जा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर तक लोगों ने उस वीडियो को देखा है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार केवल इसलिए कि वो सरकार के अनुसार कार्य जवाब ले, जवाब एक पत्रकार के को न्याय नहीं देंगे? मैं तो पूछ रहा हूँ, जवाब लेते जी, उसके लिए प्राइम टीवी पे आवाज उठानी पड़ रही है, मैं तो ये देख के हैरान हूँ। अच्छा, और धन्यवाद आपका गौरव भाई कि आपने मुझे मंच दिया कम से कम इस बात को रखने के लिए, वरना तो आवाज दबा दी जाती। प्राइम टीवी तो सरकार की आवाज उठाता है, उठाएंगे नहीं, ये तो आज आपकी आवाज है। और कल मोहनलालगंज में क्या हुआ, अधिवक्ताओं को जिस तरह बर्बरता पूर्ण तरीके से पिटवाया गया। जवाब भाई, देखिए सवाल सवाल शाही भाई ने, भाई देखिए वो बड़े भाई है लेकिन सवाल आएगा तो जवाब देना मेरा धर्म। ठीक है, जवाब जवाब अधिकारियों तो ये भी आवश्यक है कि तत्काल उन पे भी कार्रवाई हो, जैसे जूनियर्स पे कार्रवाई की जाती है। ठीक है, सही, जल्दी जवाब दीजिए, ताकि भाई को लेता हूं। जी जी जी, मैं एक लाइन का जवाब दूंगा विवेक जी। देखिए हम लोग अपने अपने
पार्टी का पक्ष रखने आते हैं और सच्चाई है कि हम पार्टी लाइन पर बात करते हैं जी। उत्तर प्रदेश के उस अधिकारी ने जो किया उसमें आपने देखा, चलिए ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने गलत किया, हो सकता है उन्होंने उस समय की चीजों में सही किया हो, ये मैं नहीं जानता हूं, ये जांच का विषय है और सरकार इसका संज्ञान जरूर ले रही है। हो सकता है। क्या उत्तर प्रदेश के अधिकारी का वो वीडियो जो वायरल हुआ था, एक पुलिस अधिकारी जो बाद में डीजी भी हुआ, काफी लंबा अधिकारी था और अखिलेश जी के चरण में बैठकर जूता पहना रहा था, अच्छा क्या उससे पुलिस की नाक ऊपर हो गई? आपको वो पुलिस चाहिए या वो पुलिस चाहिए कि जो अपना काम करे ईमानदारी के साथ? साहिब भाई ये कौन सा तर्क है? तो पुलिस क्या पत्रकारों को पकड़ के कॉलर पकड़ के फेंक देगी बाहर? अधिवक्ताओं को पकड़ के फेंक देगी बाहर? मोहनलालगंज का प्रकरण आप वाकिफ है और जो पीयूष अधिवक्ताओं को उन दरोगाओं के साथ कानूनी कार्यवाही हुई या नहीं हुई? भाई क्या कार्यवाही हुई? ट्रांसफर कर दिया गया, अंसल थाने में आपने ट्रांसफर कर दिया। दबाव अगर अधिवक्ता दबाव नहीं बनाते, अगर अधिवक्ता सड़क पे आंदोलनरत नहीं होते तो क्या एफआईआर लिखी जाती? अगर अधिवक्ता खुद अपने न्याय के लिए, हक की लड़ाई के लिए खड़े नहीं होते, सेंट्रल बार, लखनऊ बार, अवध बार, एएफ त्रिपाठी सब नहीं पहुंचते, सब नहीं पहुंचते, सुनील द्विवेदी भैया नहीं पहुंचते अध्यक्ष सेंट्रल बार, तो कैसे लड़ाई पूरी की, कैसे न्याय मिलता? और भाई आप बताइए, तो जवाहर त्रिपाठी में नाम ले रहा हूं, जवाहरलाल त्रिपाठी का वो अगर कार्रवाई सरकार करती, अगर पहले बार में कार्रवाई सरकार करती, अश्विनी भाई आपकी बात जायज थी कि बिल्कुल सरकार ने संज्ञान लिया, लेकिन 10 दिन लगभग आंदोलन रत होने के बाद अगर कोई एफआईआर लिखी जाती है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी कार्य करने की सुधार करने ताकि मैं बहुत देर से उंगली उठा रहा भाई क्या करना चाहता हूं। मैं अश्विनी शाही साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा हमारे देश जनता जो है भगवान है उसका हमें ख्याल रखना चाहिए, बड़ी अच्छी बात कही। अभी तक वही अटके हुए हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन एक शेर मैं आपको सुना दूं, घर बचाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये बताओ घर बचाए कैसे? आप इसी लखनऊ शहर के अंदर, शाही जी सुनिए, इसी लखनऊ शहर के अंदर कल कई 7,000 ग्राहकों के स्मार्ट मीटर की वजह से कनेक्शन कट गए और वो 7,000 घर जो परिवार थे जिनको आप भगवान कह रहे थे वो अंधेरे में बैठे रहे और उनको ठंड में बाहर निकलना लगा। इतनी कड़ाके की ठंड में अगर घर में लाइट ना आ रही हो तो आप सोचिए पूरे व्यवस्था पूरा घर रुक जाता है, अच्छा। ना कपड़े धुल पाते, ना आदमी नहा पाता है, ना सफाई हो पाती, ना बर्तन धुल पाते हैं, अच्छा। 7,000 परिवारों में ठावज में स्मार्ट मीटर से बिजली कट गई और ये लगातार बिजली बढ़ाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं बिजली के रेट बढ़ाएंगे और जो प्रस्ताव दिया है बड़े थोड़ी करेंगे, प्रस्ताव भी कैसे दिया, अच्छा। ये प्रस्ताव बिजली की रेट कम करने का दिया, सरकार थोड़ी दिया है, कह सकते थे बिजली की रेट जनता को राहत दी जाएगी, ये भी तो कह सकते थे, वो प्रस्ताव क्यों नहीं आया? क्यों नहीं बिजली की रेट कम होंगे जनता के, तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में दिल्ली में कैसे बिजली 300 फ्री दी जाए दे रही है, क्यों आप नहीं दे पा रहे? उत्तर प्रदेश में बीजेपी देगी, हम देंगे, तो सरकार जनता ने आपकी बात मानी नहीं, आप तो यहाँ भी फ्री दे रहे थे 300 यूनिट। जनता भाई जनता कैसे बात मानती, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हावी बातें की जा रही है, तो मैंने कहा जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 300 यूनिट फ्री देने के बाद कही थी, जनता ने बात नकार दी, क्यों नकार दी जनता ने? जीतने के बाद इन्होंने जनता क्या भला कर दिया? अच्छा अगर इन्होंने जनता ने आपको नकार दिया, इन्होंने उनको चुन लिया क्योंकि ये ज्यादा रेट लेंगे जनता से, अच्छा कि जनता ने अधिकार दे को भाई संघर्ष करिए रोड पर आए, बिजली के रेट बढ़ाएंगे, संघर्ष करिए, डीजल महंगा बांटेंगे, जैसे आपके सांसद करते हैं, आज जो है पहले गलियों में कबाड़ी वाला कबाड़ बेचता था, अच्छा आज गलियों में आवाजें गूंजती है चावल बेच दो, अच्छा, गेहूं बेच दो, अच्छा लोग चावल गेहूं बेच रहे हैं, अच्छा उससे घर का खर्चा चला रहे, अच्छा उससे तेल ला रहे, ये भारत देश की हस्ता करते चावल गेहूं बेच, समझ आया? ये जो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो परिवारों को राशन बांट रहे हैं, हाँ। वो राशन परिवार लेके लोग बेच देते हैं, राशन नहीं खाना चाहिए, लेना चाहिए क्या? अरे ले तो रहे लेकिन बेच भी तो रहे, उससे थोड़ा खर्चा निकाल लें, अच्छा ये हालत दिक्कत क्या है आपको, बेचने से दिक्कत है कि खर्चा निकालने से दिक्कत है? हमें दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने भारत, अरे उनको दिया गया वो बेचे खरीदे खाए, उससे क्या दिक्कत है भाई आपको? अच्छा हाँ ये हिंदुस्तान की जनता को राशन दिया जा रहा है भाई, तो ये बताइए आम आदमी पार्टी ने जनता के भावनाओं के साथ परिवार करने का काम किया, एक आम परिवार के इंसान के आज सम्मान को आपने देश बचाई है, आपने उसको रोजगार छीन लिया, आज हालत ये खराब हो गई है, बहुत गंदिया मनाज मेन मुद्दा यही है, मेन मुद्दा यही है कि आपने लोगों को स्वरोजगार की भावना छीन ली और लोगों को आपने आलसी बना दिया, रोजगार कहां लोगों के पास, आलसी बना दिया, देश के अंदर 60 दिल्ली में कितना रोजगार दिया 2015 से ये बता दे वो लोगों को रोजगार दिल्ली में, भाई बताएं दिल्ली में कितना रोजगार दिया, कितने बेरोजगार लोग आप उत्तर प्रदेश में जब दिल्ली में जाके रोजगार ढूंढते हैं, जाके देख लीजिए, अच्छा हमने 5 लाख में दिया कितना भाई, खाना खिलाया था, आप बताइए ना, मेरे पास आंकड़े हैं तकी भाई, दिल्ली में जो बसें भर भर के आए थे, मेरे पास आंकड़े हैं, मैं आंकड़ों के साथ जवाब दूंगा, पहले चल के आए थे वो बेरोजगारी की दुहाई रो रहे थे,
तो आप जो कह रहे हैं जो भगवान है वही उसी भगवान की हम बात कर रहे हैं कि आपने धरती के भगवान को भी नहीं खुश रखा और जो भगवान कई कॉलेज के नाम मेरे पास हैं तो कहीं ना कहीं भगवान आपसे दोनों भगवान नाराज हैं जहाँ ये तनखा तक नहीं दे पा रहे हैं। तो दैवी कई में 26 नौकरियां दिया इन्होंने, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तकी भाई सुन लीजिए, नहीं किया इन्होंने, आपके तथ्य बता रहे हैं वो। बोले तकी भाई साहिब जी, मैं कह रहा हूँ कच्चे से पक्का नहीं किया इन्होंने। अच्छा, टूटी में साफ पानी नहीं आया। अच्छा, और अध्यापकों की तनख्वाह जो है कितने दिनों से रुकी हुई है और कॉलेज के सब नाम मेरे पास है। पार्टी सबसे पहले तनख्वाह देने सबसे तेज है, हमने और कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में नौकरियां दी, बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में कितनी है। साहिल जी बोला लाखों लोग रोजगार दिए भाई, हमने पक्का किया है। साहिल जी लाखों लोग रोजगार दिए हमारी पार्टी ने, सबसे ज्यादा स्तर जो है लोगों का बढ़ाया आम आदमी पार्टी ने। आपके प्राइम टीवी की डिबेट है और आपने दिखाया है 1.69% यहाँ पर बेरोजगारी दर है उत्तर प्रदेश में, और मैं बाहर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप ही के यहाँ टीवी पर डिबेट हुई थी और 2% से कम बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में दिखाई गई थी। बेरोजगारी रिपोर्ट कहाँ करते हैं आप, तो लोगों भगा देते हैं। बेरोजगारी दर जब रिपोर्ट होती है जब आप जनता को एप्लीकेशन भरने दे, आपने कितनी नौकरी रिपोर्ट करने दे, आप रिपोर्ट नहीं करने देते। साई जी तकी भाई बोल रहे हैं 26 नौकरियां 2021-22 में जी, कितनी 26 नौकरियां जी, और आरटीआई का जवाब है मेरे पास, आरटीआई की कॉपी रखी हुई है। पिछले योगी शासन में वो नियुक्तियां जो रुकी हुई थी कोर्ट के आदेशों के अनुसार वो सबकी भर्तियां हुई है, उसके अलावा उन्होंने भर्ती नहीं दी। अच्छा। और कितने सेक्टर है जहाँ रोजगार विरोध, मैं आप बताता हूँ, मैं कल ट्रामा सेंटर में था, प्रमुख अच्छा। ट्रामा सेंटर में अच्छा। ट्रामा सेंटर दिल्ली की बात नहीं करेंगे, सुनिए आप सुनिए, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ट्रामा सेंटर से मरीज जो है वो कहाँ, मऊ से आ रहे हैं, आजमगढ़ से आ रहे हैं, गोरखपुर से आ रहे हैं, गोरखपुर में आपने एम्स बनाया वहां गरीब लोगों का इलाज हो रहा है, बनारस बीच में क्यों इलाज नहीं हो रहा है, एक आजमगढ़ मऊ से आदमी दिल्ली लखनऊ में आ रहा है ट्रामा सेंटर में इलाज कराने के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 400 किलोमीटर की दूरी तय करके, उसके बाद वहाँ बाउंसर लगे हुए ट्रामा सेंटर जहाँ आदमी इमोशनली टूटा हुआ है, परेशान है, अपने सामने अपनी परिजन को खोता हुआ देख रहा है, दिल्ली में कौन सा अस्पताल बनाया इन्होंने जरा बता दीजिए, स्कूलों में बाउंसर लगा दिए, अस्पताल बनाया भाई पूछ रहे हैं आपसे, ये बाउंसर वाली को अभी लेके आ रहे हैं, दिल्ली में कौन सा अस्पताल बनाया सर जी बताइए, दिल्ली में हमने दिल्ली में इतने अस्पताल बता दिए, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, कितने हजारों मोहल्ला कितने सबसे ज्यादा, और ये पिछली सरकार बड़ी है क्या कुछ कह रहे थे भाई आप, बहुत शान बैठे हैं, झाड़ा जुड़ो यात्रा से आपको क्या दिक्कत होगी क्या, नहीं देखिए साहिब बोले करंट आपको ठंड लग गई है आप लोगों को जी, नहीं साहिब जी बोल सकते हैं, देखिए सवाल है कि देश में सवाल यही सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी के इतना साहस नहीं हुआ कि जनता की सूरत हाल में है, जनता किस दबाव में है, जनता की क्या मांगे हैं, आज तक आप जैसे जिम्मेदार चैनल के स्वतंत्र पत्रकार का सवाल लेने का साहस नहीं हुआ। अच्छा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं, जो भी कार्यक्रम करते हैं प्रायोजित, आम कैसे खाना है, गुठली कैसे फेंकनी है, मैं ऐसे खाता था वहां से तोड़ता था वहां से फेंकता था, तो सवाल ये है इतने हमारे महान देश के महान जनता के प्रति जो गंभीरता संवेदनशीलता और सरकार में आने के पहले जो बड़े बड़े अपने आप को युग प्रवर्तक कहते थे सब कि पूरे भारत की दशा दिशा बदल जाएगी, हर व्यक्ति उनके भावों से भाषणों से लगता था हर व्यक्ति की समस्याएं गरीबी सब दूर हो जाएगी, सबके खाते में 20-25 लाख रुपए पड़े रहेंगे हर परिवार के। अच्छा। तो आज आप इन पे साहस नहीं बचाए, नैतिक बल नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। अच्छा। इसलिए नैतिक बल नहीं होने के कारण क्योंकि इन्होंने कुछ डिलीवर करके नहीं दिया। अच्छा। पूरी तरीके से मिथ्याभाषी द्विअर्थी मनसा वाचा कर्म का सिद्धांत उनको कोई मानते अच्छा। नहीं है देखिए, और हाँ। इसीलिए ये पूरी तरीके से असुरक्षित हैं, डरे हुए हैं, भयभीत। साहिल जी बोल रहा है कि जहां की यात्रा निकली वहां पर बाबा नुकसान हो जाता है आपका, वो उनको देखिए सरकार चली जाती है। अब अलग प्रमाण दे रहे थे, मैं नहीं बोला, साहिल जी सब जानते हैं, साहिल जी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मानने वाले हैं, लेकिन साहिल जी ऐसी सोबत में ऐसी पार्टी में है कि उससे आधा कह नहीं सकते। तो कांग्रेस में आ जाए साहिल जी, नहीं नहीं उनका बुला रहे क्या, साहिल जी जैसे व्यक्तित्व का डेमोक्रेटिक व्यक्तित्व का वहां पर बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छा। वो तानाशाही माहौल में थोड़ा सा वो
भी वो बड़ी कश्मकश में रहते हैं। अच्छा। इसलिए वो अपने स्वाभाविक जो उनका प्राकृतिक व्यवहार है, भाव है, भाषा है, वो नहीं आ पाती है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ, इसलिए मैं उसपे कोई कटाक्ष बात नहीं करूंगा। अच्छा। लेकिन ये है आज देश में लोकतंत्र के प्रति लोक स्वर को समझते हुए बीजेपी वाले डर गए ना पूरी। नहीं, सवाल भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक यात्रा मात्र नहीं है। सवाल है भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन सभी आवाजों को, उन उपेक्षित लोगों को, उन ट्राइब्स को, उन जहां तक सरकार की रोशनी, लाइट, स्मार्ट सिटी का स्मार्ट कैमरा नहीं पहुंच पा रहा था, युग प्रवर्तक प्रधानमंत्री जी की निगाहें नहीं जा रही थी, प्रवर्तक है 56 इंच का मान रहे हैं ना युग प्रवर्तक है। नहीं, वो तो स्वयंभू स्वघोषित है, स्वघोषित है। तो उनको आवाज, उनको स्वर देने का काम किसी ने किया? आखिर वो नेता अब ये कहेंगे सरकार में नहीं है। हाँ। तो विपक्ष की भूमिका हम अदा कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। अच्छा। और गांधीवादी नेता होने के नाते, हाँ। भारत के भविष्य के प्रति आश्वस्त होने के नाते मैं आपको एक जिम्मेदारी से कह दूं, एक भी कांग्रेसी अगर है इस देश में, हाँ। तो देश की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी को अन्याय नहीं करने दिया। अच्छा, देश की जनता विपक्ष कब बनेंगे? नहीं करने, उत्तर प्रदेश विपक्ष कब बनेंगे? वो तो जनता के जनार्दन के ऊपर है। अच्छा, हम अपने ये है, लेकिन शाही जी जब जीत के आएंगे तब विपक्ष बनेंगे, समझ रहे हैं आप? यही तो डर है। हाँ। विवेक जी से, हाँ। विनोद जी को। अच्छा। कि अगर यात्रा में शामिल विवेक जी इसीलिए नहीं हुए। अच्छा। कि कहीं अगर विनोद जी मजबूत हो गए तो फिर अच्छा। गड़बड़ हो जाएगा मामला। अच्छा, ये गड़बड़ है ये अंदर। ठीक है, उमेश भाई से पूछ ले। उमेश भाई, भाई आप भी बहुत सुन रहे हैं, कोई अपने तर्क भी रख दीजिए भाई, जिस तरह से चर्चा हो रही जी। आपके बदलाव होगा क्या? आपके बदलाव हो गया, तमाम लोगों को यहाँ पर पद दिया गया है, प्रभार दिया गया, मैंने देखा है जी। हमारे यहाँ तो लगातार समाजवादी पार्टी के 3 बार के पूर्व विधायक, अच्छा, ये रू बोलेंगे, शामिल हुए लगातार प्रत्येक जिले में। सावधान रैली जब हम लोग लेके निकले, हाँ। और महिलाओं के लिए जो हकाधिकार रैली है उनमें लगातार अलग अलग पार्टियों से लोग शामिल हो रहे हैं। 23 लोग छोड़ के चले भी गए, हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर 23 लोग छोड़ के चले भी गए, पार्टी का 23 लोग छोड़ के गए भी है। वो जो जाने वाले थे उनको एक्चुअली भ्रमित किया गया, भ्रमित किया गया। और वो जी उनको भ्रमित किया गया, और जो जाने वाले थे, और कौन से दल में लोग नहीं जाते, बोलेगा आपकी बात जी, बोलिए बोलिए। और बोलिए बोलिए, उनको भ्रमित किया गया, उनको बताया गया कि हम आपको लोकसभा का चुनाव का टिकट दे देंगे, तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, बेचारे भटक गए होंगे, और उनका अपना सोच का सीमित दायरा था, और नहीं समझ पाए होंगे। अच्छा, आगे आगे क्या रणनीति रहने वाली सुभाषपा की, जहां से निमंत्रण हुआ वहां जाएंगे क्या? सुभाषपा की रणनीति है कि फिलहाल हम उत्तर प्रदेश की धरती पर और बिहार तक काम कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, फिलहाल हम जनता के साथ अपने अपने गठबंधन को कर रहे हैं, और आने वाले समय में चुनाव में रोड पे कब आएंगे जनता के लिए? हम लगातार रोड पे हैं। अरे, यात्रा थोड़ी निकालनी है भाई, संघर्ष करिए जनता के मुद्दों पर, यात्रा निकलती रहेगी, यात्रा संघर्ष होता है क्या? संघर्ष ही होता है सर। अच्छा। हम अपने नीतियों और रीतियों का विस्तार कर रहे हैं, यही संघर्ष है। अच्छा, अच्छा। और जब और हमसे ज्यादा संघर्ष कौन कर रहा है? हम सामाजिक न्याय अच्छा। रिपोर्ट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस भी नहीं कर रही आपसे ज्यादा, भारतीय हम जी कांग्रेस भी आपसे ज्यादा संघर्ष नहीं कर रही है? तो कांग्रेस तो आप जैसे भी कह रहे हैं कि रैली निकाल रही है, यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस भी तो वही कर रही है ना। अच्छा, अच्छा। अगर आप उसको संघर्ष का नाम दे रहे हैं तो मुझे भी देना चाहिए। और रह गई बात, ये हम जातवार जनगणना की बात कर रहे हैं, हमारे जी सावधान यात्रा की पटना में अच्छा। जो हमने समापन किया उसकी आवाज के तहत नीतीश कुमार जी ने वहां जातवार जनगणना के लिए घोषणा की है। ये हमारे जो अपार जनसमूह वहां पर जी पटना में इकट्ठा हुआ था उसी का निष्कर्ष है। अच्छा, अच्छा, संगठन बढ़ा रहा है क्या? उम्मीद मान सकते हैं आने वाले चुनाव में अकेले लड़ेंगे क्या या गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? नहीं, देखिए गठबंधन किसने नहीं किया? अगर अन्य पार्टियों को गठबंधन का अधिकार है हाँ। तो हमारे ऊपर इतना प्रश्न चिन्ह क्यों है? हम तो पूछ रहे हैं, पार्टी ने गठबंधन नहीं किया? आप गठबंधन तोड़ने की बुराई करते हैं, पूछ रहा हूं जी, कोई बात नहीं, ठीक है। विवेक कुछ बोल रहे थे, नहीं करता विवेक भाई, कुछ बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। एक विषय उठाना चाहूंगा, आज आदरणीय शाही भाई बैठे हैं, उनके माध्यम से भाजपा के नेतृत्व तक मैं चाहूंगा कि ये विषय भी पहुंचे जी। और कहीं ना कहीं गौरव भाई देखिए, सरकारें जो हैं वो उत्तर प्रदेश की हो चाहे किसी भी राज्य की हो, नागरिकों के हितों का संवर्धित करते हुए, आदर्श राज्य तभी स्थापित हो सकता है जब वहां के परिवार, उस राज्य के नागरिकों के परिवार आदर्श रूप से स्थापित हो सके। सरकारों का मूल दायित्व होता है राज्य के परिवारों को स्थापित करना, न कि उनको उजड़ने देना, चाहे वो किसी भी नीति नियम को लागू करना पड़े, नियम बनाने पड़े, कानून लाने पड़े, लेकिन पहला उद्देश्य, आखिरी उद्देश्य हर सरकार का, लोकतांत्रिक सरकार का होना चाहिए राज्य के परिवारों का संवर्धन।
उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बात आई थी, इसलिए मैं इस विषय को उठाना भी चाह रहा हूं, रखना बड़ा संवेदनशील विषय है। यूपी के इटावा में पानी भरे गड्ढे में एक सिपाही के 2 साल के मासूम बेटे की मौत हो गई। अच्छा। और घटना के पहले, इसके लिए मैं संवेदना भी व्यक्त करता हूँ, घटना के पहले वो बीमार पत्नी और बच्चे की देखभाल के लिए कई दिनों से छुट्टियां मांग रहा था, लेकिन अधिकारियों ने केवल अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए छुट्टियां नहीं दी। जबकि कमिश्नरी की बात करिए, कमिश्नरी का वर्क स्ट्रक्चर अलग होता है, कमिश्नरी के मानदेय भत्ते अलग होते हैं, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस को संचालित किया जा रहा है, ये बात तो सर्वविदित सामने भी आ गई कि छुट्टियों संडे के दिन अधिकारी छुट्टी पे रहते हैं, लेकिन ये भेदभाव की जो नीति है मुझे लगता है, क्योंकि रेगुलेशन तो कहता है कि पुलिस 24 घंटे ड्यूटी पे रहेगी, तो अधिकारी भी उसी रेगुलेशन के दायरे में आता है 1861 के। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को छुट्टियां समय से मिले, इसको भी सुनिश्चित करना आवश्यक है, क्योंकि एक पायलट प्रोजेक्ट अगला मुद्दा ये भी रखा जाएगा का, एक पायलट प्रोजेक्ट साप्ताहिक अवकाश का बाराबंकी से शुरू किया गया था ओपी सिंह जी के समय, लेकिन वो भी गर्त में जा चुका है। लेकिन ये संवेदना मैंने इसलिए इस मुद्दे को उठाया, देखिए हम इतनी देर से डिबेट कर रहे हैं, विषय वस्तु से डिरेल भी हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन जरूरी है कि सत्ता पक्ष की अगर कोई सम्मानित प्रवक्ता है तो उनके माध्यम से विपक्ष अपनी बातों को सत्ता तक पहुंचाए, और कहीं ना कहीं पुलिस विभाग में छुट्टियों को लेकर के जो मानसिक दबाव है, उत्पीड़न हो रहा है, इस पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि महीनों लोग घर नहीं जा पाते हैं, चाहे वो छुट्टियां अभी 6 महीने से बंदी थी, 3 महीने से फिर खुली है, लेकिन छुट्टियां नहीं मिलती हैं। तो इसको या तो ऑनलाइन किया जाए, मेरी मांग है, एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते इसको ऑनलाइन किया जाए। दूसरी बात जरूर कह दूंगा, हमने तो कांग्रेस को, साई भाई की बात का जवाब दे दूं, हमने तो कांग्रेस को फिर भी भावनात्मक सहयोग भी दे दिया, मनोबल बढ़ाने के लिए एक पत्र भी दे दिया और साथ भी दे दिया। अब लेकिन भाजपा के बड़े बड़े नेता सुबह उठते ही राहुल जी की यात्रा पे, जिस यात्रा का कोई अर्थ नहीं ऐसा भाजपा का कहना है, उस पर ट्वीट करने लगे, कमेंट करने लगे, तो मुझे लगता है जिसका अर्थ नहीं है वहां अनर्थ है, और अर्थ है तभी तो वहां पे कोई ना कोई बात हो रही है। अच्छा। तो अर्थ है, हाँ अर्थ है तभी तर्क की बात हो रही है, क्योंकि एक से एक तार्किक ट्वीट आते हैं यात्रा को लेकर, हम भी देखते हैं सोशल मीडिया पे, मैं भी हूँ। तो समाजवादी पार्टी एक विपक्ष की तरह हमने अपने शिष्टाचार को निभाया है, लेकिन शाही भाई जो भी यात्रा करे वो ये सोचना चाहिए कि उनके नेता क्यों उस तर्क पे कुतर्क कर रहे हैं, मेरी और माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी माननीय प्रकाश सिंह जी इसके लिए काफी देर से प्रयासरत भी हैं, और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस रिफॉर्म के लिए कुछ कदम भी उठाए हैं, जिसमें एक ये सबसे बड़ा मुद्दा छुट्टी का भी है, जिसमें अब ये कुछ लागू किया जा रहा है कि जैसे 24 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से और उनकी ड्यूटियां जो है चेंज होंगी, तो कुछ चीजें चेंज होगी आगे आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी जो होती है वो बड़ी ही संवेदनशील और गंभीर ड्यूटी होती है, 24 घंटे ड्यूटी करके हमारे सिपाही जो है और थक जाते हैं, छुट्टी जो अधिकारियों की छुट्टी नहीं होती है, वो ऑन ड्यूटी होते हैं, भले ही वो अपने कार्यालय उनका बंद रहता है इसलिए कार्यालय ना आते हो, वो छुट्टियों पर नहीं रहते हैं कि संडे को छुट्टी मनाए, मगर कुछ और रिफॉर्म किए जाने आवश्यक हैं। आपका सुझाव बड़ा सराहनीय है और इस पर सरकार काम कर रही है। ताकि जल्दी बात पूरी हो जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो पुलिस में भर्तियां हो रही, सिपाहियों की बहुत कमी पुलिस में, वो बीजेपी सरकार क्यों नहीं पूरी कर रही है। अच्छा। दूसरी बात ये कि सुन लिया, उत्तर प्रदेश परेशानी है, जो भी पदाधिकारी जो भी पद बैठ जाता है वो अपने आप को सर्वो सर्वा समझने लगता है, ये मुख्यमंत्री से लेकर ये तक बात आती है, लोग विधिवत नियम के अनुसार नहीं चलते और लोगों का सम्मान नहीं करते, बहुत बड़ी परेशानी में उत्तर प्रदेश सब जगह देखिए। अच्छा। दूसरी बात, पुलिस विभाग जब है तो सरकारी अस्पतालों के अंदर ये आप बार बार ये बाउंसर क्यों लगा रहे हैं, ये बाउंसर का कल्चर कैसे आ गया सरकारी स्कूल में, बाउंसर के सरकारी सुरक्षा गार्ड है भाई, सुरक्षा गार्ड बोलिए, जहाँ लोगों को संतावना देने की जरूरत है, जहाँ लोगों को गले लगाने की जरूरत है, जो टूटे हुए परिवार के साथ लोगों आ रहे हैं वहाँ बाउंसर खड़ा कर रहे हैं, ये कितनी असंवेदनशील बात है। और मैं देख रहा हूँ स्कूलों में बाउंसर खड़े हो रहे हैं, स्कूल में बाउंसर खड़े हुए हैं, बाउंसर कल्चर बीजेपी को लेकर आ रही है समाज के अंदर, बाउंसर कल्चर की जरूरत है, या आप लोगों को समान पढ़ा नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे, ये बाउंसर अपराधी थोड़े खड़े हो तक भाई, बाउंसर ही है अपराधी नहीं है, उनको भी रोजगार मिल रहा है, बाउंसर किसी के रोजगार की बात को कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं रोजगार नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ रोजगार मिल रहा है, तो आप कह रहे हैं परिवार के लोगों को ड्रामा हमसे कर रहा है, इसको इलाज चाहिए, आप सभी मेहमानों से कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा का विषय था कि संगठन में बदलाव होने की तैयारी चल रही है और 24 चुनाव के लिए जिस तरह से बीजेपी रणनीति बना रही है वो काबिले तारीफ है। अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस में किस तरह से बदलाव होगा, किस तरह से उनको भी संगठन मजबूत करने के लिए प्रयास करना होगा, या किस तरह वो युवाओं को आगे लेकर आएंगे, वो भविष्य के गर्भ में निहित है। पर एक बात तो साफ है कि अगर चर्चा केवल डिबेट के माध्यम से होगी तो चर्चा पूरी नहीं होगी। अगर वास्तव में आप चाहते हैं
कुछ जनता के मुद्दे, जिस तरह यहाँ पर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता बीबी पांडे तमाम तरह के मुद्दे उठाए, कुछ चर्चा अगर वास्तव में महत्वपूर्ण है तो उस पर भी चर्चा करनी आवश्यक है। पर शायद चर्चा के अलावा कुछ संघर्ष सड़क पर भी होना चाहिए, और शायद संघर्ष अगर सारी पार्टियां जनता के मुद्दों पर करेंगी तो शायद तस्वीर वही बदलेगी। कहा जाता है ना कि अगर वास्तव में बदलाव चाहिए तो एक साथ जुड़िए और कुछ अच्छे काम करिए। केवल बातें बयानबाजी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और डिबेट के माध्यम से नहीं होनी चाहिए। ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने, जिनकी संघर्ष विशेषता रही है, संघर्ष के दम पर वो सत्ता में आई हैं और आज सत्ता की कुर्सी पे काबिज है। तो वो संघर्ष को याद करिए और जुड़िए, और सबसे बड़ी बात चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।